व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हुसैन फ्री व्लॉग्स। तो आज की जो हमारी वीडियो है थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। इसके अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी गाड़ी का रेडिएटर का पानी और बैटरी का पानी आप चेक कर सकते हैं। तो अगर हम रेडिएटर की सबसे पहले बात करें तो रेडिएटर की बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो ये कैप खोल के ना यहाँ से रेडिएटर में पानी डालते हैं, जबकि आप देख सकते हैं कि इसके साथ यहाँ पे आपको एक ग्रीन जो है कैप वाली बोतल अवेलेबल होती है हर गाड़ी के अंदर। और बेसिकली इस बोतल का काम यही होता है कि जब आपने रेडिएटर का कैप कभी भी ना खोलें, इस बोतल के अंदर यहाँ पे आपको ये निशान दिया गया है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपने इसके अंदर कूलेंट डालना होता है और इसको फुल रखना होता है। इससे ये होता है कि जब भी आपके रेडिएटर में पानी कम होता है तो वो इस बोतल से पानी जो है ना रेडिएटर ले लेता है और आपको ये कैप खोलने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ती। तो ये जो निशान है आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप कूलेंट इसके अंदर फिल करें और आपको रेडिएटर कैप को भी खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वरना बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ये कैप खोल तो लेते हैं लेकिन बाद में उनसे सही तरह बंद नहीं होता और वो उसका बाद में मसला ये आता है, गाड़ी हीटअप हो जाती है और हीटअप होती है या इंजन ही गाड़ लो, बहुत से लोगों की गाड़ी का इंजन सीज हो जाता है। तो इस कैप को कभी भी ना खोलें, इसके अंदर आप कूलेंट डालें और इसके अंदर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा ये निशान तक कि आप कूलेंट ही यूज़ करें गाड़ियों के अंदर। कभी भी आप इनके अंदर जो है ना वो टैप वाटर यूज़ ना करें। अगर आप टैप वाटर यूज़ करेंगे, बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमारी गाड़ी तो अभी बिल्कुल ठीक चल रही है, हम टैप वाटर यूज़ करते हैं, उस वक्त तो गाड़ी को कुछ भी नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में ये होगा 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद कि आपका जो रेडिएटर है ना उसमें भी रस्ट आ जाएगा और उसके बाद आपके जो रेडिएटर के जो स्टील के पाइप्स हैं ना वो भी जो है ना वो ख़राब होने लग जाएंगे, उनमें जंग आ जाएगा और रस्टिंग शुरू हो जाएगी और थोड़े अरसे के बाद जो है वो टूटना भी शुरू हो जाएंगे और पानी आपका लीक होने लग जाएगा गाड़ी का, तो आपको पाइप चेंज कराने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप ये कूलेंट यूज़ करते हैं इसके अंदर तो आपको ये इन चीज़ों से आप बच जाएंगे, ना आपके रेडिएटर में रस्ट आएगा, ना आपके जो पाइप्स हैं रेडिएटर के वो ख़राब होंगे और लॉन्ग रन में आपको फ़ायदा होगा इस चीज़ का। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें वो होती है बैटरी, इसका पानी आपने चेक करना होता है। अब वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि आप किस तरह बैटरी का पानी चेक कर सकते हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये नीचे ये प्लास्टिक पार्ट आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है जो नीचे तक जा रहा है, दोनों साइडों पे हैं। बेसिकली हम लोगों ने जो इसके अंदर पानी डालना होता है वो जहाँ ये प्लास्टिक पार्ट खत्म हो रहा होता है वहाँ तक बस इसके अंदर पानी होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर भी उतना ही पानी मौजूद है, जहाँ पर प्लास्टिक पार्ट खत्म हो रहा है सिर्फ उतना ही पानी इसके अंदर डाला गया हुआ है। अगर हम दूसरा सेल देखें तो आप दूसरे सेल में भी देख सकते हैं कि उतना ही पानी इसके अंदर मौजूद है, वहाँ तक उससे ऊपर नहीं डाला। और ये बाकी सेल भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि ये इसके अंदर भी इतना ही पानी मौजूद है। तो ये पानी का जो लेवल है ये बैटरी में रखना होता है। इससे क्या होता है कि आपकी जो बैटरी है वो लॉन्ग लास्टिंग रहती है और आपको बैटरी आपकी आराम से जो है ना वो 3 साल तो निकाल जाती है और 3 साल से ज़्यादा का टाइम भी निकाल जाती है। अगर मैं आपको इसकी एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो ये आप देख सकते हैं मेरी वैगनआर यहाँ पर खड़ी हुई है। अब जो ये मेरी वैगनआर की बैटरी है, ये मेरी वैगनआर 2019 मॉडल है और ये इस गाड़ी को मैंने 2019 जून में लिया था, इस गाड़ी को अब 3 साल पूरे हो गए हैं। लेकिन जो इसकी ये जो बैटरी है ये जेनवन कंपनी की फिटेड बैटरी है और ये गाड़ी इस पर 50,000 किलोमीटर चल चुकी है। अभी ये बैटरी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में है, गाड़ी एक सेल्फ पर स्टार्ट हो जाती है। अब इसकी जो इतनी अच्छी लाइफ है इसकी वजह यही है कि इसकी जो पानी वगैरह चेक की करता था मैं वो बिल्कुल एक तो एक्यूरेट टाइम पे करता था, मतलब 15 दिन में एक दफ़ा मैं कर लेता था और पानी मैं इसके पानी का लेवल जो है बिल्कुल ठीक रखता था। अब आप इसके बाकी सेल भी देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको ऑल्टो में अपनी दिखाया उतना ही पानी इसके भी बाकी सेल्स में मौजूद है और इतना ही पानी हमें इसके अंदर रखना चाहिए तो हमारी बैटरी की जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाती है, मतलब कि आराम से। अब ये बैटरी जो है, वैसे कभी मेरी पहले ऐसा नहीं हुआ था, मैंने जितनी भी गाड़ियाँ रखी हैं मेरी बैटरी जो है वो टाइम से पहले ख़राब हो जाती थी, मतलब कि 1.5 साल मुश्किल से 2 साल निकालती थी और ख़राब हो जाती थी। लेकिन जब मुझे सही पानी का लेवल पता चला कि कितना पानी रखना चाहिए तो मैंने अपनी इस गाड़ी में देखा है कि मेरी बैटरी को 3 साल हो गए माशाल्लाह और अब तक की बैटरी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में और गाड़ी एक साल पर स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद हम वाइपर वॉशर की बात करते हैं कि वाइपर वॉशर की हर गाड़ी में बॉटल होती है, इसका ऊपर से ब्लू कलर का कैप होता है हर गाड़ी के अंदर और इसके ऊपर ये लोगो भी बना होता है। अब इसके अंदर आपने पानी डालना होता है और वो पानी आपका बाद में ये वाइपर वॉशर के अंदर आता है और वो आपको जब अगर गाड़ी का आपका शीशा गंदा हो जाए तो तब आप वो यूज़ करते हैं। और जो लास्ट चीज़ है वो ये ऑल्टो में भी मेरी मौजूद है और वैगनआर के अंदर भी है। अब ये जो है हमारी ये ब्रेक ऑयल है गाड़ी का बेसिकली,
और ये इसके ऊपर आप लोगों ने देख सकते हैं कि इसके ऊपर इन्होंने मिनिमम लेवल बताया हुआ है। वैसे ये भी ऊपर तक पॉपअप है क्योंकि नई गाड़ी है, लेकिन मिनिमम लेवल उन्होंने बताया हुआ है। ये अभी तो नहीं, लेकिन कोई 3-4 साल बाद, 5 साल बाद ये ना लेवल इसका कम हो जाता है, ये मिनिमम से भी नीचे चला जाता है। तो ये आपको तब पॉपअप करना होता है, वो भी आपने जब भी करना। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको अंदर जेनवन जो है सुजुकी का ब्रेक ऑयल यूज़ करें, और जब भी आपने ये पॉपअप करवाना है आप सुजुकी वालों के पास जाएँ और उनसे पॉपअप करवाएं, कोई लोकल इसके अंदर ब्रेक ऑयल वगैरह यूज़ ना करें और सुजुकी वालों का जेनवन ब्रेक ऑयल यूज़ करें। हाँ, जो इसके अंदर गाड़ी के अंदर कूलेंट है वो मैं सुजुकी का जेनवन यूज़ नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सुजुकी वाले एक्सपेंसिव देते हैं और वो कोई 2800 का कूलेंट आता है। तो मैं इसके अंदर या तो गार्ड का और या उसाका का कूलेंट यूज़ करता हूँ, ग्रीन कलर का, दोनों गाड़ियों में अपनी। और उससे मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी बहुत अच्छा गया है, क्योंकि मैंने अपनी वैगन आर में भी 3 साल वही यूज़ किया और मेरी वैगन आर का जो रेडिएटर है अब तक बड़ी अच्छी कंडीशन में है, उसमें कोई रस्ट वगैरह अब तक नहीं आया, तो इसीलिए मैं वही कूलेंट जो है वो इस गाड़ी में भी अपनी यूज़ कर रहा हूँ। तो व्यूअर्स, यही थी आज की हमारी वीडियो, और इस वीडियो में मेरा मेन मकसद ये था कि मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि बहुत से लोगों को इस चीज़ में इशू आता है, उनको गाड़ी का कूलेंट नहीं चेक करना आता, बैटरी का पानी चेक नहीं करना आता, जिसकी वजह से बाद में उनकी जो है वो गाड़ियों में इश्यूज़ आ जाते हैं, या बैटरी जल्दी ख़राब हो जाती है, रेडिएटर में रस्ट आ जाता है, रेडिएटर पाइप्स ख़राब हो जाते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। तो व्यूअर्स, यही थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।